दोस्त नायरा, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बबूल के पेड़ के कुछ फायदे। बबूल का पेड़ जो कि हमारे दांतों को सुरक्षित रखने में ज्यादा योग्यता समान रखता है, आज हम जानेंगे उसे और करीब से। जानेंगे कि बबूल के पेड़ का सेवन करने से हम अपने शरीर को और भी ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम अपने शरीर को और ज्यादा निरोग और स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। टिप नंबर वन, डायरिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए आप बबूल का सेवन कर सकते हैं। बबूल की ताजी पत्तियों को पीसकर उनका सेवन करने से आपको डायरिया में आराम मिलेगा। आप चाहें तो उसके साथ सफेद जीरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। टिप नंबर टू, दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है बबूल। अगर आप बबूल की जड़ को अपने दांतों में दातून की तरह से चबाएंगे तो आपको फायदा महसूस होगा। मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से दुर्गंध आना, दांतों का पीलापन, इन सब से आपको निजात मिलेगी। टिप नंबर थ्री, एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए भी बबूल बहुत फायदेमंद है। 25 ग्राम बबूल और 25 ग्राम आम की छाल को पानी के साथ उबालें और एक्जिमा वाली जगह पर इसकी भाप लें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। भाप लेने के बाद आप एक्जिमा वाली जगह पर घी लगा सकते हैं या फिर बबूल के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक्जिमा में राहत मिलेगी। टिप नंबर फोर, टोन्सिल हो जाने पे कई बार हमारा गला बहुत ज्यादा दर्द करता है। अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है तो आप बबूल की छाल का काढ़ा मिला के उसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक मिला के इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको टोन्सिल से राहत मिलेगी। टिप नंबर फाइव, कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत ज्यादा रामबाण माना जाता है बबूल को। अगर आपको भी कंजक्टिवाइटिस की बीमारी है तो आपको रात को सोने से पहले अपनी आंखों पर बबूल के पत्तों को रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे बबूल के पेड़ के फायदे, जिसका ना सिर्फ तना, फल, फूल, छाल, हर चीज हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनका लाभ उठाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।